पिपरिया में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। यहां पर भी लगातार बताया जा रहा है कि जो किसानों की फसल है वो भी यहां पे नष्ट हुई है। लगभग 80 से 90% तक का यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है। किसे आपको बताएंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ यहाँ पे एक्शन लिया गया है? पूरी बर्बाद हो गई 80 से 90%, 10% है जो काल पड़ा पूरा भूरा वर्दा सड़को। क्या लगता है अब लेखपाल साहब ने तो लगाई है रिपोर्ट, बोल रहे थे चलो खबर आगे पहुँचाएंगे। किसान ऐसे भी होते होंगे कि जो कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, नुकसान होने से कितना प्रभाव पड़ता है? नुकसान होने से 100% है, 100% नुकसान टाइम ऐसे करेगा किसान, सर्विस तो है नहीं है। सर वर्तमान में भाजपा सरकार है, क्या सरकार का रोल है, कितनी क्या जो धरातल पर उनका काम है वो देखा जा रहा है, कितनी जो सुविधाजनक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनकी सुविधाएं पहुंच रही है, यहाँ पे देखा जा रहा है। पीएचएल की बात करें तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 साल पहले यहाँ पे पानी की टंकी बनाई गई थी और हालात की अगर आज हम बात करें तो वो जल जो है घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक ढांचा बनकर जो पानी की टंकी वो रह चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव वालों से भी हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे, किसानों का भी हाल हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे धरातल की स्थितियां देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया में। इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि जो किसानों की फसल है वो भी यहाँ पे नष्ट हुई है। लगभग 80 से 90% तक का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, किसानों की जो फसलें हैं वो सारी चौपट होती हुई देखी गई है। तो आज हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे अब हम हकीकत आपको बताएंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ यहाँ पे एक्शन लिया गया है और कितना क्या यहाँ पे जो फसलें हैं उनमें नुकसान होते हुए देखा जा रहा है। प्रधान जी की क्या कुछ यहाँ पे भूमिका देखने को मिलती है और किस तरह वो लगातार किसानों के लिए प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं? जी भाई साहब स्वागत है, क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र पटेल जी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी इस समय खेती बाड़ी की, क्या हुआ, कैसी फसल हुई? पूरी बर्बाद हो गई 80 से 90%, 10% है जो काला पड़ा पूरा भूरा वर्दा सड़को। अच्छा, बाकी क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से, शासन से? अब यही उम्मीद है कि कछु मिल जाए तो भैया बोनी बखन्नी हो जाए किसान नन की होता। अच्छा, बाकी प्रशासन द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच में जांचें भी करवाई जा रही है, आपके जांच गांव में जांच हुई नहीं? अभी लेखपाल आए थे अकेले और तो बाकी कोई नहीं आया अभी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या लगता है? अब लेखपाल साहब ने तो लगाई है रिपोर्ट, बोल रहे थे चलो खबर आगे पहुँचाएंगे, अब पहुंचाई हो या नहीं पहुंचाई हो अभी तो हमें पता नहीं है। अच्छा, बाकी किसानों की अगर हम बात करें तो कई किसान ऐसे भी होते होंगे कि जो कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, नुकसान होने से कितना प्रभाव पड़ता है? नुकसान होने से 100% है, 100% नुकसान टाइम ऐसे करेगा किसान, सर्विस तो है नहीं है कोई। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट होने के कारण, अतिवृष्टि के कारण उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, किसान कर्जे में डूब चुका है और बर्बाद होते हुए भी यहाँ पे देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे कि जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका भी यही कहना है। तो किसान है वो लगातार हाहाकार मचा हुआ है, लगातार जिला मुख्यालय के भी दरवाजे खटखटा रहा है। वर्तमान में हम बात करें तो भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सांसद की बात करें तो अनुराग शर्मा है, और अगर मैं यहाँ के विधायक की बात करें तो वो भी भाजपा से ही यहाँ पे विधायक है। तो तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी भी लगातार दावे भी करते हुए देखे जा रहे हैं। तो किसानों में है तो किसानों को चाहिए और प्रशासनिक अधिकारी को भी चाहिए कि उचित जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए। तो और भी चीजें बात करें तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुका है, साथ ही इस समय बीमारियां भी गंभीर रूप ले रही हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है? इसके द्वारा कोई व्यवस्था की जाए और क्या है जी। सर वर्तमान में भाजपा सरकार है, क्या सरकार का रोल है, कितनी क्या जो धरातल पर उनका काम है वो देखा जा रहा है, कितनी जो सुविधाजनक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनकी सुविधाएं पहुंच रही है उनके पास? मजदूरों के लिए तो अभी कुछ नहीं है व्यवस्था, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। ये गाँव में तो आज तक हम जा देख रहे अभी तक कोनो मुआवजा नहीं मिली किसानों का। 3 साल से बराबर बर्बाद फसल हो रही है, अभी तक 3 साल से कुछ मिल ही नहीं है, ना बीमा, ना हर बार बीमा कटता है, ना बीमा मिला ना कुछ मिला। जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो संभाग की अगर हम बात करें तो वो भी जो जिम्मेदार हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसानों के लिए
कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसान यहाँ पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। बात करें भाई साहब, यहाँ पे और भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, यहाँ सारी व्यवस्था है। पहले रोड रोड है तो वहाँ आप आए होगे गाड़ी से तो पता चल गया होगा कि रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था गड़बड़। हमारे यहाँ 5 साल पहले पानी की टंकी बन गई, अभी उसका कोई वो नहीं है सिस्टम। आज सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त आप बता रहे हैं जिस तरह से, कि वजह क्या है, क्या कारण है, क्या माना जा सकता है, आखिर क्यों आज के समय में भी ऐसी हाल दिख रही है? कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं है। अच्छा, आपका कितना प्रयास रहता है लोगों का? अब हमारा तो सबरा प्रयास है, पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब लेकिन मिलवे जब तो है। हम बात करें तालाबों की, शौचालयों की, और बात करें हम स्वास्थ्य से व्यवस्था की, शिक्षा की, क्या कुछ ना हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई वो है ना, पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब नहीं होने से सब बेरोजगार है और क्या है। तो जहां तक है, सरकार ज्यादातर शिक्षा पर भी जोर देने का काम कर रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस अंधकार में बच्चों का जो भविष्य है वो जाते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। पीएचएल की बात करें तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 साल पहले यहाँ पे पानी की टंकी बनाई गई थी, और हालात की अगर आज हम बात करें तो वो जल जो है घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक ढांचा बनकर जो पानी की टंकी वो रह चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव वालों से भी हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे, किसानों का भी आलम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे धरातल की स्थितियां देखने को मिलती है, क्या कुछ किसानों का हाल यहाँ पे देखने को मिलता है, किस तरह यहाँ पे ग्रामीणों में और किसानों में चीख पुकार यहाँ पे मची हुई है, और सड़कें किस तरह यहाँ पे दम तोड़ती है, और पेयजल व्यवस्था जो घर घर जल पहुंचाने का लगातार दावा किया जा रहा है तो कितनी क्या सुविधा लोगों तक पहुंचती हुई देखी जा रही, क्या कुछ सड़कों का हाल है, क्या कुछ नालियों का हाल है, क्या कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवा यहाँ पे देखने को मिलती है, और क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पे हाल देखने को मिलता है, और जो मूलभूत सुविधा है हम बात करें आवास की, शौचालयों की, तमाम जो सरकार के दावे हैं किस तरह उनको सीधे मिलते हुए देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लोगों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।